तो अगर आपने रिसेंटली मोटो एच 40 नियो खरीदा है, आपको कैमरा सेटिंग्स का आइडिया नहीं है, या हो सकता है आपको कहीं ऐसे फीचर्स पता ही ना हो कैमरा ऐप में जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो एक डिटेल्ड ओवरव्यू है मोटो एच 40 नियो के कैमरा के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, मैं अपनी स्क्रीन शेयर यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया, आपको साइड बाय साइड दिखता रहेगा। ओके, तो स्टार्टिंग जैसे ही आप कैमरा ऐप ओपन करते हो इस तरीके से आपको यूजर इंटरफेस दिखेगा। पहले हम बात कर लेते हैं फोटो मोड की, तो यहाँ पे 1x पे बाय डिफॉल्ट है। अगर मैं 0.5x पे जाता हूँ तो इस तरीके से अल्ट्रा वाइड एंगल में आप फोटो शूट कर सकते हो। 2x का भी ऑप्शन है, 2x मतलब है 2x जूम करेगा, जो बेसिकली आपको ये एक डिजिटल क्रॉप करके दे रहा है। तो अगर आप जूम करके फोटो लेना चाहते हो तो आप 2x में भी ले सकते हो। वापस हम डिफॉल्ट 1x पे जाते हैं। अब एक चीज़ जो मुझे बढ़िया लगी मोटो एच 40 नियो में या मोटोरोला में क्या होता है, ये जो फ्लावर वाला आइकन है ना, ये बेसिकली मैक्रो फोटोग्राफी के लिए है। तो मान लेते हैं मैं इस तरीके से अपना फ़ोन आगे लेके आता हूँ, तो ये देखो इतने पास जाके भी ये टेक्सचर में आप फोटो ले सकते हो। तो अगर आप मैक्रो फोटोग्राफी करना चाहते हो इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिल जाती है। उसके बाद 2x के ऊपर आपको एक ही आइकन दिखेगा, बेसिकली फिल्टर्स के लिए ऑप्शन है, तो ये ओरिजिनल है। उसके बाद यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट क्लासिक है, ब्लैक एंड वाइट विविड है, और यहाँ पे काफ़ी फिल्टर्स हैं। मैं जस्ट वॉक थ्रू कर देता हूँ सो दैट, अब देखो फिल्टर्स का यूज़ क्या रहेगा। जैसे आप देख सकते हो अलग अलग आपको लुक एंड फील आपके फोटोज़ में मिल रही है। तो मान लेते हैं आपको एडिटिंग नहीं करना, तो आप यहाँ से यूज़ करके कोई भी फिल्टर के साथ फोटो ले सकते हो। ठीक है, तो अभी हम नेचुरल पे चलते हैं बिकॉज ओरिजिनल इज समथिंग जो मैं प्रेफर करता हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा कि मेरी वेबसाइट kunalmalhotra.in लाइव हो चुकी है, जहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज लाने वाला हूँ। कुछ ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स है स्मार्टफोन फोटोग्राफी का। तो अगर आप मेरे एक्सपीरियंसेस, मेरी नॉलेज अबाउट स्मार्टफोन फोटोग्राफी मेरे साथ सीखना चाहते हो तो कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो, जहां पे मैं आपको स्मार्टफोन फोटोग्राफी का, फिर चाहे वो iOS हो या एंड्रॉयड, मैं आपको कॉम्पोजिशन बताने वाला हूं, लाइटिंग की टेक्निक्स बताऊंगा, कैसे आप किसी भी सिचुएशन में शार्प एंड क्लियर फोटोज ले सकते हो, फोटोज को देखना कैसे है, कैसे प्रोसेस करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट उनको जब आप सोशल मीडिया पर अपलोड करते हो तो एज अ फोटोग्राफर आपको अपनी मार्केटिंग कैसी करनी चाहिए। तो अगर आप A to Z ऑफ स्मार्टफोन फोटोग्राफी जानना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो। और साथ ही साथ Adobe Lightroom CC मास्टर क्लास का भी कोर्स मैंने अपलोड कर दिया, और अगर आप Lightroom मोबाइल यूज करते हो तो इसका एक प्रीसेट पैक भी है, वो भी आप चेक कर सकते हो। अब हम आते हैं कैमरा ऐप की अपर पोर्शन पे या लेफ्ट हैंड साइड पे, डिपेंडिंग आप किस ओरिएंटेशन में यूज कर रहे हो। अब यहाँ पे एक ये नीचे की तरफ एरो है, जिसको अगर मैं क्लिक करता हूँ मुझे दो ऑप्शन मिलती हैं, टाइमर, तो बेसिकली आपके पास 3 सेकंड टाइमर है, 10 सेकंड टाइमर है, यहाँ आप टाइमर को ऑफ रख सकते हो बाय डिफॉल्ट। एक्टिव फोटोज का भी ऑप्शन है, इसको आप ऑटो पे भी रख सकते हो, ऑन पे भी रख सकते हो या ऑफ, अभी मैंने ऑफ पे रखा हुआ है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले आइकन से, जो कि है फ्लैश। अब फ्लैश का आपको यहाँ दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है फ्लैश ऑन, दूसरा है फ्लैश ऑटोमेटिक। तो ये खुद से सेंस कर लेगा कि फ्लैश चाहिए या नहीं चाहिए, उस बेसिस पे फ्लैश को फायर करेगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो नाइट विजन। अब इसको आप ऑटोमेटिक पे भी रख सकते हो, ऑफ पे भी रख सकते हो, अभी मैंने ऑफ कर दिया। अगर मैं इसको ऑटोमेटिक पे रखता हूँ, अगर ये सेंस करेगा कि लो लाइट है तो बेसिकली ये नाइट विजन के साथ आपको फोटो खींच के दे देगा। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ज़्यादा डे टाइम में शूट करते हो इसको ऑफ ही रखो, कहीं ये ऐसा डिटेक्ट करे लो लाइट और आपकी फोटो को इधर उधर कर दे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये एन वाला आइकन, अगर मैं क्लिक करता हूँ ना, ये इमेज प्रेफरेंस का ऑप्शन आता है। तो बाय डिफॉल्ट नेचुरल है, बट ऑटो एनहेंस का भी ऑप्शन देता है। तो आप देखो अगर मैं टैप करता हूँ नेचुरल और ऑटो एनहेंस, अब ऑटो एनहेंस में क्या करते हैं, आपकी इमेज को खुद से थोड़ा सा प्रोसेस करके, थोड़ा डायनामिक रेंज और कलर्स को बेटर करके आपको दे देता है। बट मैं नेचुरल पे रखता हूँ, उसका मेरा अपना रीज़न है, बिकॉज मुझे नहीं पसंद कि फ़ोन मुझे एडिटिंग करके दे, मैं चाहता हूँ मैं खुद से अपने हिसाब से उसको प्रोसेस करूँ। बट अगर आपको रेडी टू यूज़ सोशल मीडिया फोटोज थोड़ी पंची वाली चाहिए तो आप इसको ऑन करके फोटोज ले सकते हो। उसके बाद आते हैं एस्पेक्ट रेशियो पे। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, सबसे पहला है 1:1, तो मान लेते हैं आपको स्क्वायर में ही फोटो खींचनी है, डायरेक्ट अपलोड करना है, आप स्क्वायर कर सकते हो 1:1। 3:4 यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट ऑप्शन मिलता है। देन यहाँ पे 9:16 भी है, जो वीडियो वाला एस्पेक्ट रेशियो रहता है ना उसमें आप खींच सकते हो। और यहाँ पे है फुल स्क्रीन, तो अगर आपको पूरी स्क्रीन में एक फोटो चाहिए, मान लेते हैं आपको वॉलपेपर लगाना है, तो आप फुल स्क्रीन में ले सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगा, जो अगर आपने मेरा मोबाइल फोटोग्राफी कोर्स अगर ट्राई किया, अगर नहीं किया, मेरी वेबसाइट पे वो लॉन्च हो चुका है kunalmalhotra.in, वहाँ जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ जाके अगर आप एनरोल करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो वहाँ पे एक चीज़ मैंने ये बताई थी कि हमेशा जो एस्पेक्ट रेशियो है वो 3:4 होना चाहिए टू गेट मैक्सिमम रेजोल्यूशन। उसके बाद अब हम आते हैं सेटिंग्स वाले आइकन पे। अब सेटिंग्स वाले आइकन में काफ़ी ऑप्शंस हैं, स्टार्ट करते हैं AI सेटिंग्स से। अब देखो AI सेटिंग्स में अगर मैं ड्रॉप डाउन करता हूँ
ऑटो स्माइल कैप्चर है, अगर आप स्माइल करते हो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा, तो इसको आप एनेबल कर सकते हो अगर आपको वो चीज़ चाहिए। जेस्चर सेल्फी है, आप सिर्फ अपना पाम दिखा के सेल्फी भी खींच सकते हो इजीली। शॉट ऑप्टिमाइजेशन, इसको ऑन कर लेना। ये क्या करेगा, बेसिकली आपकी फ़ोटोज़ को ऑटोमेटिकली एनहेंस कर देगा AI सीन डिटेक्शन को यूज़ करके। गूगल लेंस भी है, ये मैं तो यूज़ करता नहीं तो मैं नॉर्मली इसको ऑफ पे रखता हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं जो है फ़ोटोज़। अब फोटोज़ में पहला है फ्रंट फोटो रेजोल्यूशन। अब यहाँ पे ना हाई रेजोल्यूशन का भी ऑप्शन है और स्टैंडर्ड का भी ऑप्शन है। तो अगर आप हाईएस्ट मेगापिक्सल पे सेल्फी लेना चाहते हो, आप हाई रख सकते हो। स्टैंडर्ड में क्या होगा कि अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया पे अपलोड करते हो कोविड स्टैंडर्ड, बट अगर आपको चाहिए कि क्रॉप फ्रॉप भी करना है तो आप हाई पे रख सकते हो। ऑटो HDR मैंने ऑन पे रखा हुआ है, खुद फ़ोन डिसाइड करे। अगर इसको आप ऑफ करोगे तो आपको डायनामिक रेंज नहीं मिलेगा। वाटरमार्क का भी ऑप्शन है, इस तरीके से आपको वाटरमार्क के ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे आपको प्रीव्यू दिख रहा है, टाइम स्टैम्प, डिवाइस वाटरमार्क, अगर डिवाइस वाटरमार्क हटाना चाहते हो, एनेबल करना चाहते हो। टाइम स्टैम्प से क्या होगा, बेसिकली इस तरीके से अगर मैं एनेबल करता हूँ तो डेट एंड टाइम भी यहाँ पे वो फोटो के साथ कैप्चर कर लेगा। इसको अभी के लिए हम ऑफ कर देते हैं। अब वीडियो में भी आपको यहाँ काफ़ी ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि एफिशिएंट वीडियो। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये H.265 में HEVC में शूट करते हैं इंस्टेड ऑफ AVC, बट मैं इसको ऑन नहीं रखता। बिकॉज होगा क्या, देखो वीडियो कंप्रेस तो होगी, स्मॉल साइज में आपको मिलेगी, डिटेल भी उतनी रहेगी, बट काफ़ी एडिटिंग सॉफ्टवेयर ये फॉर्मेट एक्सेप्ट नहीं करते। तो मैं नॉर्मली प्रेफर करता हूँ इसको ऑफ पे रखूँ। मैं हमेशा H.264 में ही वीडियो रिकॉर्ड करना प्रेफर करता हूँ। ऑडियो जूम का भी ऑप्शन है, एम्पलीफाई ऑडियो इन द जूम्ड एरिया ऑफ द व्यू फाइंडर। तो इसको अगर आप इनेबल करते हो, बेसिकली क्या करेगा, अगर आप वीडियो को 2x या 4-5x में जूम कर रहे हो तो ट्राई करेगा ऑडियो को भी जूम करके दे। देन यहाँ पे कुछ जेस्चर की भी सेटिंग्स हैं, इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। टैप एनीवेयर टू कैप्चर, तो अगर आप इसको इनेबल करोगे, अब जब आप स्क्रीन में जाओगे, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ गया या मैंने टैप किया तो ये अपने आप फोटो ले लेगा। तो ये एक इफेक्टिव वे है अगर आप उस शटर बटन पर डायरेक्टली क्लिक नहीं करना चाहते। उसके बाद सेल्फी को अगर आप मिरर करना चाहते हो, इसको इनेबल कर सकते हो तो वो घूम जाएगी। शटर साउंड है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। असिस्टिव ग्रिड है, असिस्टिव ग्रिड से आपको मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, इस तरीके से आप देख रहे हो 2x2 ग्रिड्स हैं, तो ये आपको कॉम्पोजिशन में हेल्प करती हैं। उसके बाद आप लेवलर भी ऑन कर सकते हो। लेवलर को अगर मैं ऑन करता हूँ ना, तो ये देखो ये बीच में लाइन दिख रही है। अब अगर मैं अपने फ़ोन को थोड़ा लेफ्ट या राइट करूँगा ना, तो इस तरीके से ये लेवल मुझे लेफ्ट राइट दिखा देगा, और अब स्ट्रेट है तो ये लेवल मेरे लिए स्ट्रेट आ रहा है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, लास्ट वाली, कीप लास्ट मोड। अब ये क्या करेगा, जब आप जो भी लास्ट सेटिंग्स आपने रखी होगी ना और वापस कैमरा ऐप ओपन करोगे, ये उसी लास्ट मोड में ओपन करके देगा। सेफ रेफरेंस, ऑब्वियसली आप कहाँ पे सेव करना चाहते हो लोकेशन, तो ये सारी ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। अब हम बात करते हैं क्या मोड्स आपको मिलते हैं। फोटो का तो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया था कि आप 1x, अल्ट्रा वाइड, मैक्रो, 2x में कर सकते हो। सबसे पहले चलते हैं स्लो मोशन पे। स्लो मोशन में हमें क्या ऑप्शंस मिलती हैं, सबसे पहले है फ्लैश, आप इसको ऑन और ऑफ कर सकते हो। देखो अभी फ्लैश ऑन है, यहाँ से ये ऑफ हो गई, तो आप फ्लैश ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। देन FPS का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है 120 240। तो अगर आप 120 में शूट करोगे, आप देखना फुल HD का ऑप्शन दिखा रहा है, 240 में HD, मतलब 240 FPS में आप सिर्फ 720p में शूट कर सकते हो, और 120 FPS पर अगर आप जाते हो तो 1080p। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। 1x का ऑप्शन है, अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन नहीं है, 2x का ऑप्शन नहीं है। हाउएवर आप इस तरीके से 2x तक जूम जरूर कर सकते हो, बट आपको अल्ट्रा वाइड, मैक्रो ये सारे ऑप्शन नहीं मिलते हैं। बट इसके अलावा आपको अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन नहीं मिलता, आप 1x पे ही शूट कर सकते हो। फुल HD पे भी अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखो इस तरीके से ये दो ऑप्शन ही मिलेंगे। उसके बाद हम आते हैं वीडियो पे, जो आप में से काफ़ी लोगों का ये फेवरेट पार्ट रहेगा भी, बिकॉज होना भी चाहिए, वीडियो समथिंग जो काफ़ी लोग शूट करते हैं। अब देखो वीडियो में जब मैं जाता हूँ ना, यहाँ पे अगेन वही मैक्रो वाला ऑप्शन है, अल्ट्रा वाइड एंगल है, 1x है, एंड इवन 2x में भी आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। लेफ्ट साइड पे आ जाते हैं, वही फ्लैश वाला ऑप्शन है, इस तरीके से आप फ्लैश ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। देन यहाँ पे स्टेबलाइजेशन का भी आपको एक ऑप्शन मिलता है। अब स्टेबलाइजेशन में पहला ऑप्शन है होराइजन लॉक। होराइजन लॉक में क्या होगा, जब आप वीडियो शूट करोगे इस तरीके से, ये देखो मैं फ़ोन को अगर घुमा भी रहा हूँ, बीरोल में मैं आपको दिखा दूंगा, तो ये मेक श्योर करेगा मेरी वीडियो लेवल रहा है, देख रहे हो इस तरीके से वीडियो को लेवल रख रहा है। तो ये एक चीज़ है जो आप यूज़ कर सकते हो, स्पेशली अगर आप काफ़ी एक्शन शूट करते हो। अदरवाइज आप स्टेबलाइजेशन को यहाँ पे एनेबल कर सकते हो इस तरीके से, तो इससे क्या होगा, आपकी जो वीडियो है वो ज़्यादा स्टेबल रिकॉर्ड होगी। स्टेबलाइजेशन इवन ऑफ भी कर सकते हो आप, तो ये चीज़ बढ़िया है कि फ़ोन में स्टेबलाइजेशन ऑफ का ऑप्शन नहीं होता। तो इस तरीके से अगर आप ट्राइपॉड में वीडियो शूट कर रहे हो ना, अभी आप ध्यान दो, राइट साइड में हल्की वाइट दीवार दिख रही है,
जैसे मैं स्टेबलाइजेशन ऑन करूंगा ना, हल्का सा क्रॉप हो जाएगा। तो अगर आप ट्राइपॉड पे वीडियो शूट करते हो ना, स्टेबलाइजेशन ऑफ कर दो, वाइड एंगल ऑफ व्यू आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगेन एस्पेक्ट रेशियो है यहाँ पे फुल स्क्रीन और 9:16, सिर्फ दो ऑप्शन है। रेजोल्यूशन पे हम आते हैं, आप 4K पे जा सकते हो और 1080p में जा सकते हो, ये दो ऑप्शंस हैं। अगर मैं ड्रॉप डाउन में जाता हूँ, हाउएवर आपको 30 और 60 का ऑप्शन मिलता है। माइक ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन भी है, विच इज़ अ गुड एडिशन। तो मान लेते हैं मैं 60fps पे जाता हूँ, अब सिर्फ मैं 1080p में शूट कर सकता हूँ, 4K में आप सिर्फ 30fps तक शूट कर सकते हो, विट इज़ गुड इनफ। इस रेंज में 4K 30 ही हमें मिलता है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप ये देखोगे, एक आइकन बना हुआ है जहाँ पे फेस वाला आइकन है, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ना, ये पोर्ट्रेट वीडियो एनेबल कर देगा। आप पोर्ट्रेट वीडियो में क्या है, मान लेते हैं इस तरीके से मैं फ़ोन आगे लाता हूँ, बैकग्राउंड में ब्लर देख रहे हो, तो ये आप एडजस्ट भी कर सकते हो। ये लेवल्स हैं, मान लेते हैं मैं 6 तक ले जा सकता हूँ और 0 पे भी लेके जा सकता हूँ। तो अभी ये ऑफ है, अगर मैं इसको 3 पे लेके आता हूँ, तो इस तरीके से आप जो इफेक्ट है बैकग्राउंड ब्लर का, वो यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। देन फोटो मोड हम डिस्कस कर चुके हैं, नेक्स्ट हम पोर्ट्रेट पे चलते हैं। अब पोर्ट्रेट में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ऑलरेडी आपको प्रीव्यू में बैकग्राउंड ब्लर दिख रहा होगा, तो 50mm है, उसके बाद 35mm है, देन 24mm है। तो ये आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं, मैं बेसिक चीज़ बता देता हूँ। 24mm 1x है, उसके बाद आप 35 पे जाते हो तो बेसिकली 1.5x डिजिटल जूम करके दे रहा है, और 50mm पे क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट 2x जूम आपको डिजिटल जूम मिल रहा है। तो इस तरीके से आप पोर्ट्रेट मोड में 1x, 1.5x या 2x में फोटोज ले सकते हो। इवन आप एफ नंबर यहां से एडजस्ट कर सकते हो, स्ट्रेंथ है बेसिकली, कितना स्ट्रेंथ चाहिए, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैक्सिमम जाता है। मैं सजेस्ट करूंगा टू बी एट अराउंड 3 या 4, वो एक सेफ पोजीशन रहता है। तो नेक्स्ट अब हम आते हैं प्रो मोड में, जहां आपको सारे मैनुअल कंट्रोल्स मिलते हैं। सबसे पहले यहां पे है ऑटो फोकस का ऑप्शन, तो आप मैनुअली फोकस कर सकते हो। नियरेस्ट एरिया कितना है वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो नियरेस्ट अगर हम अगेन मोबाइल का रेफरेंस लेते हैं, तो आप इतना अप क्लोज, इतना क्लोज शूट कर सकते हो, विच इज़ गुड इनफ। ठीक है, तो मैनुअली अगर आप फोकस करना चाहते हो, अदरवाइज ऑटो पे ले आओ, यहाँ से ऑटो फोकस हो जाएगा। देन वाइड बैलेंस है, वाइड बैलेंस का काम क्या होता है, ये देखो इस तरीके से अगर मैं कम केल्विन टेम्परेचर करूँगा, ये कूल ब्लूइश इफेक्ट देगा। वही अगर मैं इसको हाई केल्विन पे लेके जाऊंगा, तो वो वार्म टोन देगा। तो मान लेते हैं आपको इंटेंशनली वार्म टोन चाहिए, तो आप ऊपर की तरफ ले जा सकते हो, लेफ्ट साइड पे जाओगे तो कूल होगा। इसको भी आप ऑटोमेटिक पे छोड़ सकते हो। देन आता है शटर स्पीड, तो अगर आप स्लो शटर स्पीड एक बार देख लेते हैं कि इसमें स्लो है शटर स्पीड 32 सेकेंड्स है, विच इज़ वेरी गुड। तो आप 32 सेकेंड तक का शटर स्पीड ले सकते हो, और हाईएस्ट जो है आपका वो 1/6000 है। जैसे आप देख सकते हो 1/6000 पे एकदम डार्क हो चुका है। तो अपने हिसाब से अगर आप शटर स्पीड चूज़ करना चाहते हो, वो आप इजीली कर सकते हो। आईएसओ अगेन आप ऑटो पे भी छोड़ सकते हो, या मैनुअली मिनिमम 100 है और मैक्सिमम 3200 है, तो ये भी आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो। लास्ट में एक्सपोजर कंपनसेशन है। अब एक्सपोजर कंपनसेशन करने के लिए आपको पहले शटर स्पीड और आईएसओ दोनों ऑटोमेटिक पे डालना पड़ेगा, देन आप ये प्लस माइनस आइकन पे जाओ। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको माइनस की तरफ लेके आओगे ना, तो इस तरीके से आप अपनी फोटो को डार्क कर सकते हो। प्लस की तरफ लेके जाओगे मतलब आप उसको ब्राइट कर सकते हो। तो अगर आपको मैनुअली आईएसओ और शटर स्पीड नहीं डालना, आप सिर्फ इस आइकन पे आओ, इसको डार्क करना है तो माइनस पे ले जाओ, ब्राइट करना है तो प्लस पे लेके चले जाओ। आइडियली प्रेफर्ड होता है आप 0 पे ही रखो। इसके अलावा टॉप लेफ्ट में आपको ये हिस्टोग्राम दिख जाता है, जो आपको हेल्प करेगा बेसिकली अपने एक्सपोजर को मेंटेन करने के लिए। देन एक चीज़ बढ़िया है, आपको रॉ JPEG और RAW plus JPEG तीनों का ऑप्शन मिलता है। मैं सजेस्ट करूंगा आप RAW plus JPEG वाला ऑप्शन ले लो, उसमें RAW फोटो में मिलेगी, JPEG में मिलेगी। देन आप एस्पेक्ट रेशियो भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, डिपेंडिंग आपको क्या फ्रेम चाहिए। अब मोर पे अगर हम जाते हैं, तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स मिलेंगे। पैनोरोमा, ड्यूल कैप्चर, काफ़ी हैं, ऑलमोस्ट 10 नए मोड्स हैं। मैं आपको कुछ बेसिक्स मोड जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। सबसे पहले ड्यूल कैप्चर पे चलते हैं। ड्यूल कैप्चर में क्या है, देखो इस तरीके से आपको मेरा फेस भी दिखेगा और पीछे जो रियर कैमरा है वो भी दिखेगा। ये एरो वाले आइकन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो मैं इस तरीके से स्विच कर सकता हूँ कि अब मुझे जो राइट साइड पे जो है उस पर मुझे रियर कैमरा दिखे, और छोटी स्क्रीन में मैं अपने फेस को दिखा सकता हूँ। और फेस पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ओके, तो बेसिकली वो फोटो ऑन कर रहा है। तो यहाँ पे मैं अल्ट्रा वाइड पे भी जा सकता हूँ रियर कैमरा में, मैं स्टैंडर्ड में भी जा सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से, और मैं इस आइकन पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास दो लेआउट्स हैं। एक ही हाफ विंडो वाला है, जहाँ मैं हाफ विंडो में आ सकता हूँ रियर कैमरा हाफ विंडो में, या फिर यहाँ जाके मैं ये स्टैंडर्ड वाला, ये जो ऑप्शन है, चूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद एक स्पॉट कलर वाला ऑप्शन है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये ड्रैग टू पिक का कलर आ रहा है,
मान लेते हैं हम ये येलो कलर ले लेते हैं, आप देख रहे हो सिर्फ वो येलो कलर ही रिकॉर्ड करेगा और कोई और कलर नहीं होगा। मान लेते हैं हम ग्रीन कलर ले लेते हैं, आप देखो सिर्फ ग्रीन कलर को लेगा, बाकी जो भी कलर्स हैं उन सबको ये ब्लैक एंड वाइट कर देगा। उसके अलावा ये स्पॉट कलर एक वीडियो में था जो मैंने पहले दिखाया, फोटो में भी है, देन अल्ट्रा रेस का भी ऑप्शन है यहाँ पे। अगर आप, क्योंकि जब आप फ़ोन लोगे आप देखोगे 50 मेगापिक्सल कैमरा है, बट वो ऑप्शन कहाँ है, वो अल्ट्रा रेज में ऑप्शन है। तो अल्ट्रा रेज में जाके जब आप फोटो क्लिक करोगे और अब इसको आप देखोगे और प्रीव्यू करोगे तो ये 50 मेगापिक्सल में आएगी। मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 8192:6144 विच इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 50 मेगापिक्सल। देन जो नेक्स्ट फीचर मोर में जाके है वो फोटो बूथ है। फोटो बूथ में क्या है, इस तरीके से बेसिकली मुझे मल्टीपल सेल्फीज़ यहाँ पे लेनी होगी। ये बेसिकली एक काउंटडाउन है, तो एक सेल्फी ले ली, उसके बाद अब मैं दूसरी सेल्फी ले रहा हूँ, देन हम एक तीसरी सेल्फी लेंगे, ठीक है, देन एक फाइनल फोर्थ सेल्फी। तो अब ये क्या करेगा, ये जो चार सेल्फी मैंने ली हैं ये देखो इस तरीके से यहाँ पे एक मुझे कोलाज बना के दे देगा। तो ये रेडी टू यूज़ ऑन सोशल मीडिया है, इसको आप यूज़ कर सकते हो इस फीचर को अगर आपको सोशल मीडिया पे चाहिए। एस्पेक्ट रेशियो है 3:4, कोई भी एस्पेक्ट रेशियो लेके आप उस हिसाब से फोटो बूथ में शूट कर सकते हो। ड्यूल कैप्चर वीडियो में भी है, वही सेम फीचर है, पहले वाला फोटो में था, ये वीडियो में। तो ये था बेसिकली एक ओवरव्यू जो मैं मोटो एच 40 नियो का आपको देना चाहता था। आई होप ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने यहाँ कवर कर ली हैं। तो अगर आप ये फ़ोन यूज़ कर रहे हो या लेने वाले हो आपको आइडिया लग जाएगा क्या क्या इसका ओवरव्यू है। तो ये मेरा सेकंड चैनल है और ये पहला कैमरा डिटेल्ड मैंने ओवरव्यू दिया है। किसी और फ़ोन का अगर आपको चाहिए कमेंट करके बताना किस फ़ोन का मुझे ऐसे कवर करना चाहिए, वो वीडियो हम रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये था इस वीडियो में, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।